मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य विभाग के स्टॉलों का अवलोकन एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर बच्चों का अन्न प्राशन भी कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी को चेक, फाइलेरिया एवं टीवी के रोगियों को किट आदि का भी वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य और हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उत्तम आरोग्यता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ समाज के होने पर ही हम सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हो रहा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा। आरोग्य मेला में लोगों को निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, निशुल्क जांच व मुफ्त दवाओं के माध्यम से आरोग्यता का उपहार मिलेगा। आरोग्य मेला 2020 में ही शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। एक बार फिर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है। मेले में सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनने से रह गए हैं, वे बनवाकर इसका लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त उच्चकृत अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक विकास खंड क्षेत्र में 25 से 30 बेड के बेहतरीन CSC PSC उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ी है। कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाज का एकमात्र केंद्र गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज ही था। वह कभी भी बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। वहां ना डॉक्टर पर्याप्त थे और ना ही दवाएं। आज BRD मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छे ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की चिकित्सा की सुविधा के लिए गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। साथ ही साथ देवरिया, सिद्धार्थनगर व बस्ती में नए मेडिकल कॉलेज सेवाएं दे रहे हैं। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम पर अंतर विभागीय समन्वय व सामूहिकता की ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी ताकत के दम पर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना नियंत्रण का बेहतरीन मॉडल देने में सफल रहा। यही नहीं, अंतर विभागीय समन्वय व टीम वर्क के बल पर 1977 से लेकर 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 मासूमों को असमय काल कवलित करने वाली इंसेफ्लाइटिस पर नकेल कस लिया गया। उन्होंने कहा 40 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को समाप्त नहीं किया जा सका था। इसके इलाज के लिए संसाधन तक नहीं थे। केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर सिर्फ 4 साल में इंसेफ्लाइटिस को मूल रूप से उखाड़ने में सफलता हासिल की। मस्तिष्क ज्वर अब नाम मात्र का है। थोड़ी सी सतर्कता और सामूहिक प्रयास से अगले 1-2 साल में इंसेफ्लाइटिस सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने लोगों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान, TB व फाइलेरिया मुक्ति अभियान से भी जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहते हैं कि बचाव ही बीमारियों से दूर रहने का सर्वोत्तम उपाय है। यदि बीमारी हो भी गई है तो उसे छुपाने की बजाय समय पर इलाज कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2030 तक दुनिया को TB मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 2025 का ही लक्ष्य निर्धारित किया है। जन सामान्य TB मरीजों की पहचान और उनके इलाज में अपना योगदान दें। TB मरीजों को सरकार की तरफ से प्रति माह 500 रुपया पोषण भत्ता भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संवेदनशील सरकार कैसे कार्य करती है, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने देखा है। महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के सेवा भाव व टीम वर्क की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक वैक्सीन की 30 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। फ्री जांच, इलाज व वैक्सीन के साथ डबल इंजन की सरकार ने हर जरूरतमंद को हर माह राशन का डबल डोज भी दिया। यह कार्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह,
महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया सहित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद रहे।